लगी लगी भाई लगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके मोटो व्लॉग। स्वागत है आपका मेरी आज की एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही होने चाहिए। तो बैकग्राउंड पे आप देख पा रहे होंगे भाई, बाइक्स दोनों रेडी हैं और अपने बंदे भी रेडी हैं, शेजू भाई हैं और किफ़ायत हैं साथ में अपने साथ। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, ये हमारे रूम के पास इनका भी रूम था, इनका नाम है इमाम और इनका नाम है रूबिया। महक रूबिया या रूबिया? महक रूबिया। अच्छा, मेरे को जाते टाइम पता चल रहा है सही नाम इनका। हाय करो व्लॉग में, चलो मिलते हैं फिर कभी इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने लिखा होगा। तो बाकी अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम निकल रहे हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए, तो बाकी फर्दर आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा आगे क्या कुछ रहेगा। सो सडनली हमारा प्लान बन गया कि हम जाएंगे, यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर। हाय करो, हाय करो। तो अभी निकलते हैं। तो भाई आसपास का माहौल, फॉग हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है इस बार। कश्मीर से तो मुझे लग रहा है ज़्यादा इस जगह पे है जम्मू में। तो लेट्स सी आगे क्या रहता है, मिलते हैं। तो फाइनली गाइज, सुबह सुबह हो चुका है जी कांड। अभी सिदरा पहुंचा था मैं, पीछे सिग्नल पे मैं जैसे ही पहुंचा तो पुलिस वाले आगे मेरी बाइक की चाबी निकाल ली। तो देन भाई काफ़ी मनाया बनाया, तो फिर आपको पता ही है भाई क्या सीन रहता है। बोल रहे थे सीज करेंगे सीज करेंगे सीज करेंगे, तो एट द एंड मैंने बात बात करके फिर उन्होंने बोला कि चालान तो होगा। मैंने बोला सर कंपाउंड ही कर दो, कुछ इधर ही हो जाए थोड़ा बहुत, तो बिकॉज़ हमें दूर जाना है घर के लिए। सो उन्होंने माना नहीं, तो अब हम पहुँचे हैं सिदरा। तो अभी फ्यूल अप वगैरह हो चुका है, एवरी थिंग डन। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलते हैं अब कंटिन्यूसली अपनी राइड पे और जाते हैं जी कश्मीर। तो यहाँ से हम जल्दी जाएंगे भाई, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो जितना लेट पहुँचेंगे ना, तो उतना ही आगे ठंड का हमें सामना करना पड़ेगा। और ठंड कश्मीर में आपको पता ही, आज विंटर्स चल रहे हैं तो कैसी रहने वाली है। सो जितना हो सके जल्दी भाग भाग के चलते हैं भाई। सो फाइनली गाइस, अपनी दोनों बाइक्स पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, और क्या ही पीछे लीन मिले हमें, प्यारे प्यारे से लीन्स वगैरह मारे और भगा भगा के इसलिए चल रहे हैं बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका है। तो यहाँ पे रुके हैं, शेजू को कुछ रील्स वगैरह बनानी है, तो थोड़े मैं सोच रहा हूँ पिक्स भी ले लेते हैं एक दो और देन कंटिन्यूसली निकलेंगे। तो मेरी तो ये फेवरेट जगह है भाई, काफ़ी प्यार है इस जगह से, बहुत औसम व्यू है आसपास और बहुत औसम से नज़ारे हैं। वहाँ से होके हम आए हैं, फिर नीचे से रोड दिखाते हैं आपको, वो रही रोड, और फिर यहाँ पे आके रुके हम भाई। यार पंगे पे पंगा, कितने पंगे होने हैं यार यहाँ पर, कितने पंगे हो रहे हैं। तो अभी हमने नाशिक क्रॉस किया, शेजू को मैंने उठा लिया भाई। आज दिन में ना सुबह स्टार्टिंग में मैंने पता नहीं किसका चेहरा देख लिया भाई, कसम से पूरा दिन ही खराब जा रहा है। तो अभी आगे कहीं रुक के कुछ खाएं पिएंगे, और पीछे भी टनल में सीन हो गया, उधर जम्मू में भी हो गया, फिर एक जगह हो गया था, समझ नहीं आ रही भाई कर रहे हैं क्या यार। तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से आएंगे, ख्याल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, होता रहता है। तो बस सीन ये है भाई, अगर आपके पास ये है ना, समझ रहे हो, बस तो सब कुछ है आपके पास, इंडिया में यही चलता है भाई। काश मैं रिकॉर्ड कर पाता, काश मैं रिकॉर्ड कर पाता भाई। भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक्चुअल में यहाँ से ऊपर से भाई पत्थर आते ना, उस वजह से ये पूरा कंक्रीट में बना के पूरा दीवार प्रोटेक्शन, ताकि भाई कोई गाड़ी को नुकसान ना हो, पैसेंजर्स को नुकसान ना हो, टूरिस्ट को नुकसान ना हो। मुझे लगता है इसका एक टनल टाइप का बनाने वाले हैं, ऊपर से जैसे ही पत्थर गिरेंगे तो नीचे चले जाएंगे नदी में, जैसे ये है सही रहेगा, ऐसा काफ़ी कम इंसिडेंट्स होंगे, कुछ तो सेफ्टी में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, तो अभी बनिहाल के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। तो पीछे मैंने सोचा था कुछ खाएंगे, बट किफ़ायत आगे निकल गया भाई, अचानक से उसका पता ही नहीं चला। देखो भाई कैसे आ रहे हैं ये लोग, कितनी बुरी तरह चलाते हैं ना गाड़ियाँ यहाँ से, कसम से। हमेशा जब भी आप श्रीनगर टू जम्मू जा रहे हो या जम्मू टू श्रीनगर जा रहे हो, तो भाई पूरा फोकस ना रोड पे होना चाहिए आपका, पूरा ख्याल
रोड पे होना चाहिए। कभी भी भरोसा नहीं है इन लोगों का, कब कहाँ से कहाँ मुड़ जाएँ, कब कहाँ से कोई रॉन्ग साइड से आ जाए, कब कितनी स्पीड में आ जाए। सो सेफ्टी अपनी तो अपने हाथ में है, बाकी देखते हैं कोई मिल जाए खाने पीने के लिए, कुछ ढाबा वाबा टपरी वपरी कुछ तो, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा भाई। शिट 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 भाई, ओ शिट, लगी लगी भाई, लगी लगी आपको भाई? यार बिस्मिल्लाह, ओएल ये क्या गिर गया, स्टैंड एक मिनट, ये कुछ निकला, पेट्रोल, हाँ ये ओवरफ्लो निकला होगा। हाँ जी हाँ जी, लगी तो नहीं, बच गए ना? नहीं नहीं यहाँ से भी हो गया ना इनको भाई, लगी किधर है? अरे यार 1000 बार गिरता है बंदा फिर उठता है, बैठ तो सही, इस पे वजन मत डालो, इस पे वजन मत डालो, यहाँ पे लगी है, छोड़ 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 बाकी कुछ नहीं भाई। शिट, ओहो क्या गिरा भाई, ये देखना कुछ लीक भी हो गया। हाँ ये ओवरफ्लो ही है ना? नहीं नहीं ये उसी की ओवरफ्लो पाइप होते हैं। तो गैस जैसे ही बनिहाल में एंटर किए ना हम, तो आराम आराम से चल रहे थे, तो मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया भाई, अचानक से ना कसम से बाइक वाला गिर गया, और इतना बुरा गिरा भाई क्या बोलूं यार, पूरा पता नहीं बाइक का ऑयल लीक हो रहा था या क्या हो रहा था। तो गाइस अभी खाना वाना खा के निकल रहे हैं हम बनिहाल मार्केट से, तो आगे भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत बुरे वाली ठंड लगने वाली है हमें। अभी दोनों भाई आराम आराम से चल रहे हैं और ठंड हो रखी है भाई काफ़ी ज़्यादा, यहीं से इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कसम से, जैसे ही मैं टनल क्रॉस करूँगा कौजीगुड़े में घुसूँगा तो भाई साहब मेरी हालत तो पतली होने वाली है। और जो कपड़ों का बैग वैग है वो भी मैंने किफ़ायत के फ्रेंड के हाथ में दे दिया हुआ है, काफ़ी मूड ख़राब हो रखा था पीछे, बट अभी मूड फ्रेश करते हैं। फ्रेश करने के लिए हमारे पास ये जो चीज़ है ना भाई बहुत प्यारी है, क्या बात है भाई, रोड देख रहे हो कितनी प्यारी है, ओहो ये बम्प्स ना बहुत बुरे वाले हैं। तो फाइनली अभी टनल से बाहर निकलने वाले हैं, तो ठंड में घुसने वाले हैं भाई साहब, पता नहीं क्या होने वाला है यार, मेरे को बहुत डर लग रही है भाई ठंड से कसम से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ हो भाई ओ भाई क्या ठंड है, सीरियसली गाइस मेरे हाथ सुनो रखे कसम से भाई, इतनी ज्यादा ठंड है ना क्या बोलूं, हद से ज्यादा ठंड है भाई, जितना मैंने सोचा था ना उससे ज्यादा। तो अभी आराम आराम से चल रहे हैं हम, 70 से 80 के दरमियान में, 80 से प्लस तो नहीं जा सकते भाई, बहुत ज्यादा ठंड है कसम से, अगर ऐसे 80 प्लस चलेंगे ना तो मेरे को लगता है मैं ऐसे ही अकड़ जाऊंगा और फिर मेरे को उठा के लेना पड़ेगा बाइक से बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है यार।